चेयर्स लगी हुई हैं वहाँ आकर पधारे और बैठे। मैं इसके पश्चात मैं आदरणीय आकाश लामा जी और इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के जनरल सेक्रेटरी उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि वे आके इस कार्यक्रम के आगे की दौर संभाले और इस कार्यक्रम को कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। जो भी इस कार्यक्रम से दूर दूर से पधारे हुए हैं इस कार्यक्रम को न मिस करते हुए आकर इस कार्यक्रम के स्टेज के सामने चेयर पर बैठी है, कोई भी खड़ा ना हो। जय मंगलानी तंते जसा
सच्चा का वादा के दम वादा विरोपी तो मनं अति अंध भूतम पैया प्रदीप जले तो जितवा मुनिंदो तंते जैसा भव तुटे जय मंगलानी तंते जैसा भव तुटे जय मंगलानी नंदो पनंद भुजगं विबुधं महिद्धिं पुत्तेन थेर भुजगेन दमापयन्तो इद्धूपदेश विधिना जितवा मुनिन्दो तंते जसा भवतु ते जय मंगलानी तंते जसा भवतु ते जय मंगलानी दुग्गा दिट्ठ भुजगेन सुदत्त हंतं ब्रह्मं विशुद्धि ज्युतिमिति बकाभिधारं यानागदेन विधिना जितवा मुनिन्दो तंते जसा भवतु ते जय मंगलानी तंते जसा भवतु ते जय मंगलानी एतापि बुद्ध जय साथियों, आज गांधी मैदान पटना में महाबोध महाविहार बीटीएमसी एक्ट के खिलाफ यहां पर पूरे देश से बौद्ध लोग इकट्ठा हुए हैं, बौद्ध अनुयायी इकट्ठा हुए हैं। हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त अपने चैनल के माध्यम से यहां पर बिहार के तीन तीन विधायक भी आए हुए हैं। तो यहां पर इस वक्त राजेंद्र पाल गौतम जी भी दिल्ली से आए हुए हैं, जो वहाँ के विधायक हैं वर्तमान। ये आप देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त के बीच में आए हुए हैं। और ये बीटीएमसी को लेकर के आकाश लामा जी, जो यहाँ पर ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके द्वारा ये बैठक बुलाई गई है। पूरे देश से लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हम आपको दिखा रहे हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, ये आप यहाँ पर